नमस्कार, खबरों में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। सुशांत की डेथ मिस्ट्री में सिर्फ डिप्रेशन वाले डी का रोल नहीं बल्कि ड्रग्स वाले डी की साजिश भी शामिल है। आप भी सोच रहे होंगे कि जब रिया ड्रग्स मंगवाती थी तो कभी पकड़ी क्यों नहीं गई, अगर सुशांत ड्रग्स लेते थे तो इसके बारे में मालूम क्यों नहीं पड़ा। हमने इसी ड्रग्स सिंडिकेट की पूरी पड़ताल की। आपको जानकर हैरानी होगी कि पहले ड्रग्स की फोटो आया करती थी और फिर ड्रग्स वाला कुरियर। सुशांत के घर ड्रग्स कहां कहां से आती थी, गांजा, AK-47, LSD कौन कौन लाता था, साजिश का नशा, शॉकिंग खुलासा। सबसे पहले इन 5 एक्सक्लूसिव तस्वीरों को देखिए। खबर एकदम ऑथेंटिक है। मुंबई में ड्रग्स के 2 बड़े सप्लायर पकड़े गए हैं और बिल्कुल नई नई बातें सामने आई हैं। ऐसी ड्रग्स की फोटो सुशांत केस में चैट में भी नजर आई थी। ड्रग्स के इन दोनों तस्वीरों में क्या कॉमन है, दोनों के बीच क्या लिंक है, यह आपको जरूर जानना चाहिए क्योंकि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इनका संबंध सुशांत केस से जरूर है। ड्रग्स की ये वो तस्वीरें हैं जो बड़े बड़े लोगों को भेजी जाती हैं। माल पसंद आए तो ऑनलाइन पेमेंट, कुरियर से सप्लाई और नशे का धुआं ही धुआं। ड्रग्स का पूरा नेक्सस एकदम वेल प्लान तरीके से चलाया जाता है, लेकिन ड्रग्स का पूरा नेटवर्क अब एक्सपोज हो गया है। रिया कंपनी की ड्रग्स वाली चैट वायरल होने के बाद से बॉलीवुड से लेकर ड्रग्स माफिया में हड़कंप मचा हुआ है। मुंबई से लेकर गोवा तक रात के अंधेरे में ड्रग्स को समंदर में फेंका जा रहा है। सुनसान जगहों पर ड्रग्स को जलाने का सिलसिला तेज हो गया है। बीडीए, मैरी जेन, वीट, ग्रास, पॉट, बॉलीवुड में इस ड्रग्स को अलग अलग नाम से जाना जाता है। ऐसे ही ड्रग्स का जिक्र रिया की चैट में भी था। सॉरी डूड, वो आदमी मुझे टरका रहा था और मैं तुम्हारी और तुम्हारे डैड की शाम खराब नहीं करना चाहता था। अगर हम हाई ड्रग्स की बात करें तो मैंने ज्यादा नहीं लिया है। उनके मुताबिक एक बार LSD और एक बार MDMA। क्या तुम्हारे पास MD है? मेरे पास नहीं है। क्या हम इसे मंगा सकते हैं? हाई लेवल पार्टियों और सेलिब्रिटीज में इसकी मांग सबसे ज्यादा है, लेकिन इसके खरीदने और बेचने का तरीका बड़ा ही अलग है। ना कस्टमर डायरेक्ट सामने आता है, ना ड्रग पेडलर्स अपनी पहचान लीक करता है। सारा कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे ऐप से होता है। पेडलर्स उसको कहते हैं जिसका काम होता है कस्टमर तक सही सलामत माल यानी ड्रग्स पहुंचाना। अब जरा समझिए नशे का ये काला धंधा चलता कैसे है। सबसे पहले क्लाइंट को ड्रग्स की अलग अलग फोटो भेजी जाती है। जो ड्रग्स पसंद आती है उसका कोड नेम रिप्लाई किया जाता है। पेमेंट पहले ही ऑनलाइन किया जाता है, जिसके बाद ड्रग्स को कुरियर के जरिए भेजा जाता है। ड्रग्स इतनी मात्रा में भेजी जाती है कि किसी को शक ना हो। ड्रग का ये पूरा कारोबार बहुत ही सीक्रेट तरीके से चलता है। न ग्राहक ड्रग पेडलर से मिल पाता है और न ही ड्रग के सप्लायर किसी ग्राहक से सीधा संपर्क करते हैं। ये पूरा कारोबार ऑनलाइन चलता है और उसमें व्हाट्सएप और टेलीग्राफ जैसे ऐप का इस्तेमाल किया जाता है। पूरा काम ऑनलाइन चलता है और ड्रग के पेडलर किसी भी खरीदार को उधारी पर माल नहीं देते, वो पहले पैसा एडवांस लेते हैं और उसके बाद माल देते हैं। और यहाँ एक चीज और नोटिस की जाती है कि कोई नया खरीदार ड्रग पेडलर के इस पूरे सिंडिकेट में शामिल नहीं हो पाता। पुराने कस्टमर पर ही ये ड्रग के पेडलर पूरा भरोसा करते हैं और अगर नया कस्टमर इसमें लाना होता है तो पुराने कस्टमर के रेफरेंस से ही नया कस्टमर लाया जाता है। NCB ने 2 बड़े ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया है। इन पेडलर्स के पास से ड्रग्स के ये फोटोग्राफ रिकवर किए गए। तस्वीर में नजर आ रहा ये शख्स अब्बास है और इसका एक साथी करण भी पकड़ा गया है। अब्बास और करण BDA ड्रग सप्लाई करते हैं जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड बॉलीवुड में होती है। दोनों में सुशांत केस से जोड़कर भी इनसे पूछताछ की जा रही है। क्या कभी इन्होंने रिया को या उसके कहने पर किसी को ड्रग सप्लाई किया है, इसकी तहकीकात भी की जा रही है। पूछताछ के दौरान इन्होंने बड़ा खुलासा किया है।
बॉलीवुड में ड्रग्स सप्लाई करने वाले बड़े बड़े ड्रग पैडलर अब ड्रग्स को नष्ट कर रहे हैं। कई जगह से ड्रग्स जलाने और समंदर में फेंकने के इनपुट मिले हैं। रिया की ड्रग्स चैट वायरल होने के बाद पूरे नेक्सस के एक्सपोज होने का डर है। अब जरा समझिए कैसे ड्रग्स की सप्लाई की जाती है। अब्बास ग्राम के हिसाब से ड्रग बेचता है। 1 ग्राम डीजे की कीमत 5,000 रुपए है। बल्क में ड्रग्स खरीदता है और अपने साथी अब्बास के साथ इसे अन्य ड्रग्स पेडलर्स को उनकी सहूलियत के हिसाब से बेचता है। इसके बाद ये लोग आगे के नेटवर्क में इस ड्रग को ऊंची कीमतों पर बेचते हैं। यानी जब पहले ड्रग्स खरीदा गया था, नेटवर्क बढ़ने के साथ ही इस ड्रग्स की कीमत भी बढ़ती जाती है। बॉलीवुड के कई छोटे बड़े लोग इस पूरे नेटवर्क में शामिल है। नार्कोटिक्स के डीजी ने कहा है कि जिस तरह से 1993 बम धमाके के बाद मुंबई पुलिस और नेशनल एजेंसीज ने मिलकर अंडरवर्ल्ड का सफाया किया था, ठीक उसी तरह से मुंबई, गोवा और अन्य इलाकों में फैले इस ड्रग्स नेटवर्क को नस्ते नाबूद कर दिया जाए। रिया के ड्रग्स कनेक्शन के पीछे बांद्रा मॉड्यूल होने का आरोप लग रहा है, इसलिए बांद्रा के स्थानीय बीजेपी विधायक आशीष शेलार ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और कहां पर ड्रग्स के कितने अड्डे हैं इसकी जानकारी दी। सुशांत सिंह राजपूत के दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के बाद और उस दरमियान जो चीजें बाहर आ रही है उसमें ड्रग्स का भी मामला सामने आया है। सुशांत सिंह रहते हुए उस परिसर में जहां पर ये अलग अलग 7 अड्डे हैं जहां से ये ड्रग्स की सप्लाई या सेल होती है, उसकी सबकी जानकारी मैंने मुंबई पुलिस को दी है और मैंने मुंबई पुलिस से मांग की है कि आप इन सभी अड्डों पर कार्रवाई करें। अब्बास और करण की रिया एंड कंपनी से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं निकला है, लेकिन रिया एंड कंपनी को ड्रग्स कौन सप्लाई करता था? क्या सुशांत ने भी कभी ड्रग्स की डिमांड की थी? यह अहम जानकारी जरूर मिल सकती है। फिलहाल एनसीबी अब मुंबई में मौजूद उन ड्रग्स माफियाओं पर शिकंजा कसने जा रही है जो खास तौर पर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बीच ड्रग्स सप्लाई करते थे। एनसीबी की राडार पर फारूक शेख और फारूक बटाटा और बकुल चंदेरिया, ये दोनों मुंबई में ड्रग्स सिंडिकेट के बड़े नाम हैं। फारूक बटाटा आज की तारीख में मुंबई का सबसे बड़ा ड्रग्स सप्लायर है, जबकि बकुल मुंबई के फिल्मी सर्किल में ड्रग्स सप्लाई करने वाला बहुत पुराना नाम है। मुंबई के लगभग हर बार बड़ी पार्टी में ये ड्रग्स सप्लाई करते हैं। इसके अलावा एनसीबी के राडार पर सुवेद लोहिया नाम का शख्स भी है। सुवेद लोहिया सुशांत केस में तब सुर्खियों में आया जब रिया इसकी कार से ईडी दफ्तर पहुंची थी। सुवेद और रिया के कनेक्शन की भी जांच हो रही है।